बैठिए अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त कर दूं। विषय क्या है? मैं आपका आभार व्यक्त कर दूं, एक मिनट, कि कम से कम आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, हिंदुस्तान के जो तमाम इलाकों में बाढ़ का सैलाब है, उसके लिए आपने विशेष रूप से आपने माननीय सदस्यों को उल्लेख करने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं सदन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, अभी हमारे एक माननीय सदस्य जी मरकजी हुकूमत से मुतालबा करके चले गए, शायद उन्हें अंदाज नहीं कि मरकजी हुकूमत क्या कर रही है। मैं क्यों आप अपनी समस्या का, 26 तारीख को मेरे यहाँ नेपाल से आने वाली नदी की बाढ़ से बाण गंगा का बंधा कट गया, पूरे गांव जलमग्न हो गए, 165 लोग एक मकान के छत पे थे, जिंदगी मौत के मंजर से जूझ रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी से मैंने कहा फोन करके, आधे घंटे में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे में पहुंच जाएगी, और 2 घंटे से पहले पहुंची, 165 लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया। सुबह हेलीकॉप्टर आया रेस्क्यू के लिए। लेकिन मैं अपनी जो बात कहना चाहता हूँ कि आज तमाम बंधे जो मैं आज खड़ा हूँ कि हमारा एक बासी अशोकवा बांध कट गया है सुपा राजा के पास, इसी तरह से ककरही का कट गया। ये राज्य सरकार को इन बंधों को 15 जून तक इसका रखरखाव करना होता। पिछले 2 वर्षों से इन बंधों पे कोई पैसा उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने नहीं दिया, जिसके कारण आज हमारे सिद्धार्थनगर जनपद में आज सुपा राजा के पास ककरही का बांध कटा है, आज बाणगंगा के 75 किलोमीटर कई जगह रिसाव हो रहा है, असुगवा कट गया है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं, इतनी भयावह स्थिति बाढ़ से है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, गृह मंत्री जी बैठे हैं, कुछ केंद्र सरकार भी राज्य को एडवाइजरी दे और जो भी मदद हो सकती है इस बंधों को बचाने के लिए उस पर कार्रवाई।